हेलो, 64 विट गेमिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो यार, जो दवाई छिड़कने वाली मशीन है ये लेके हम जा रहे हैं हमारे फील्ड की तरफ। आप देख सकते हैं कि यार, इस मशीन को चलाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ये मशीन है मतलब काफ़ी अलग है। तो एक जो ये कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर से मैं दवाई जो छिड़काव है दवाई का वो करना स्टार्ट करूँगा, और फिर पूरे फील्ड में दवाई का छिड़काव स्टार्ट करूँगा। तो उससे जो हमारा घास है ना, वो मतलब भी जो कोई भी बीमारी है तो उसमें जो पशुओं का जो चारा है, तो ये देखना। ये मशीन मतलब इस प्रकार से अनफोल्डिंग होती है इस मशीन की, बहुत ही नजाकत है, क्या बात है। और अब तो ये मशीन की जो वर्किंग है वो देखना, काफ़ी अलग ही वर्क करती है मशीन। ये देखो, इस प्रकार से अनफोल्डिंग होती है। तो अब चलेगी हमारी फील्ड की तरफ ये। मतलब कितने एरिया को एक साथ कवर करके चलती है मशीन, आप भी देख सकते हैं इसे। अभी हम मशीन में जो दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि हमारा जो फसल है वो जल्दी से तेज़ी से बढ़े। मतलब कितने लिए देखो, एक साथ बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करके चलती है ये मशीन, आप भी देख सकते हैं कितने। तो इससे क्या कि जो घास में जो भी कोई बीमारी हो मतलब एक साथ सही हो जाएगी। और जो वर्क करेगा वो भी मतलब बहुत ही अच्छा वर्किंग प्रोसेस है इस मशीन का। आप देख सकते हैं क्या चलती है मशीन, क्या लाजवाब मशीन है। तो आप देख सकते हैं आप जो घास है वो कितनी जल्दी से एकदम हरा भरा होता जा रहा है, क्योंकि हम ये जो केमिकल्स हैं इनका थोड़ा सा यूज करते हैं ताकि कोई बीमारी ना हो। मतलब ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं इनसे कोई ज़्यादा भारी नुकसान नहीं होता। तो ये थोड़ा सा डालना पड़ता है। इनसे वैसे कोई ज़्यादा खास जैसे मतलब कोई नुकसान नहीं होता, मतलब जो भी बीमारी उससे दूर कर देते हैं फसल के अंदर, जो भी कीटाणु या कुछ भी लग जाते हैं उन्हें दूर करने का ये काम करते हैं। ये बीच बीच में यार थोड़ा सा मतलब ये मतलब स्पेस छोड़ दिया जो हमारा जो मशीन है उससे अच्छे से नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी यार, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।